अगर आप एक बहुत ही बेसिक और एक सिंपल स्विंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाजार में मची हुई काफी सारी वोलेटिलिटी, इनफैक्ट ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट हुए एंड पीपल आर स्केयर्ड बिकॉज काफी सारे लोगों को लगता है कि अब इस मामले में क्या किया जाए। इस मामले में अपनी लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए और कुछ चीजें सीखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में एज एक्सपेक्टेड मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक बहुत ही सिंपल स्विंग स्ट्रैटेजी। और हाँ, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कुछ कॉम्प्लेक्स जार्गन्स यूज करूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज करूंगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज करूंगा, तो आप शायद गलत चैनल पे आ गए हैं। आपको दूसरे चैनल चेकआउट करने चाहिए। तो चलिए साबुदाना की खिचड़ी खाते हुए और थोड़ा सा डांस करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो अपन बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, सीधे क्या सेटअप है, क्या ध्यान देना चाहिए। एंड ऑफ द वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ये कहां पर वर्क नहीं करेगा बिकॉज एवरी सेटअप हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस पूरी चीज को बिकॉज इसी टाइप की स्ट्रैटेजी मार्केट में आप बिलीव नहीं करोगे 25,000 to 30,000 में पैकेज करके बेचा जाता है। उसमें थोड़ा साइकोलॉजी डाल दिया जाता है, थोड़ा और कुछ डाल दिया जाता है मसाला, एंड इट इज बिंग सोल्ड फॉर 25,000 to 30,000। तो आपको ये फ्री में मिल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे चलकर भी इसी प्रकार के और वीडियोज लाता जाऊं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जितना हो सके अपना प्यार दीजिए और प्यार के रूप में लाइक्स देते रहिए बिकॉज इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो अब पहले हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। एक नटशेल में समझ लो, जब भी आप किसी पोजिशन को कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक्स तक होल्ड करने वाले हो तो एक ट्रेडिशनल वे में हम उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। आप एक बड़ा स्विंग होल्ड करना चाहते हो, बेसिकली तब आप 0.5% 1% के लिए चेज नहीं करते हो, यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर लेट्स से 1%, 2%, 3% इस तरह के रिटर्न्स जब आप टारगेट करने लग जाते हो तब होता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि स्विंग ज्यादा किस में करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन में बताऊंगा, काफी लोग बोलते हैं कि इंडेक्स में हमको बहुत ज्यादा स्विंग करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि हमको स्टॉक्स में करना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको स्टॉक्स पे ज्यादा करना चाहिए। क्यों? इसके ऊपर भी स्टैट्स है। स्टैटिस्टिकली लास्ट 15-20 साल का डेटा निकाला जाता है तो पता लगता है कि ऑलमोस्ट 40-50% टाइम मार्केट बहुत बार साइडवेज होता है। टिपिकली इंडेक्स की बात करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर इंडेक्स साइडवेज जाता है किसी टाइम पे तो आप वहां पर पैसा स्विंग से कैसे बनाओगे? मतलब हार्डली 5-10 पॉइंट का मूव रहेगा तो आई डोंट थिंक सो आप पैसा बना पाओगे। लेकिन वहीं पर एक स्टॉक की जब बात करते हैं तो हर स्टॉक का एक डिफरेंट नेचर है। 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। अगर आपने उन 5,000 में से 50 स्टॉक्स को भी इन एंड आउट समझ लिया तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है टू प्ले दिस स्विंग। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि स्विंग्स अगर खेलना है तो स्टॉक्स में खेलना है। कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। तो अब हम बात करेंगे अपने सेटअप पे कि हमें इसमें स्टॉक्स कैसे लेने चाहिए, किस तरह के लेने चाहिए, विद ऑल लॉजिकल रीजंस आई विल टेल यू। तो बिकॉज ये एकदम सिंपल सा सेटअप है, वी आर ओनली गोइंग टू टारगेट निफ्टी 50 के स्टॉक्स। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, जितने भी निफ्टी 50 में आते हैं हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे। आपके दिमाग में सवाल उठता है वाई नॉट निफ्टी 500, वाई नॉट स्मॉल कैप स्टॉक्स, वाई नॉट मिड कैप एंड ऑल दोस थिंग्स। उसका सिंपल सा रीजन है, निफ्टी 50 जितनी लिक्विडिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी बिकॉज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा यहीं पर रहता है। सबसे ज्यादा HNI, सबसे ज्यादा प्लेयर्स यहीं पर, डोमेस्टिक प्लेयर्स यहीं पर रहते हैं, इनफैक्ट FIIs। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि इसमें एंट्री कब करनी है, जो सेटअप में आप कुछ देर में चार्ट्स पे आपको बताऊंगा। तो इसका आइडियल टाइम रहेगा 10 बजे के बाद। अब आप पूछोगे 10 बजे के बाद क्यों, 9 बजे तो बहुत सारा एक्शन हो जाता है। याद रखिए हम स्विंग सेटअप की बात करें, हम इंट्राडे की बात नहीं करें। अगर आप डे ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आपका 11:30 तक बहुत सारा एक्शन हो जाता है और उसके बाद सेकंड हाफ होता है। लेकिन आपको समझना है कि एज अ स्विंग ट्रेडर आपको आराम से प्रीएम्प्ट नहीं करना है, आपको देखना है बिकॉज पहले के 15-20 मिनट में ब्रोकर के ऑर्डर जाते हैं। काफी सारे लोगों ने BTST लिया था, वो ऑर्डर जाते हैं। ऑपरेटर का बहुत सारा एक्शन होता है। जिनने पहले से बिल्डअप करी हुई पोजीशन वो शायद अपने पोजीशंस बुक करना चाहेंगे या फिर नई पोजीशंस लेना चाहेंगे, ऐसे में आप फंस सकते हो। नेक्स्ट, अब हम इस सेटअप में क्या पिक करेंगे? इस सेटअप में हम सिर्फ एक चीज पिक करेंगे। बाय द वे, अगर आपने हमारा एक कुछ हफ्तों पहले हमने एक वीडियो बनाया था अबाउट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, वहां पर भी मैंने आपको थोड़ा इंट्राडे और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बताया था। आज उसी का दूसरा वर्जन आएगा बिकॉज आप लोगों ने कहा था सेकंड पार्ट लेके आओ। तो आज हम यूज करेंगे एक SMA, दैट्स इट। और ये एक SMA ऐसा है, सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको काफी सारे फंड मैनेजर्स यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम यही वाला SMA क्यों यूज करने वाले हैं, बिकॉज मैं जस्ट थोड़ी देर में आपको चार्ट्स पे बताऊंगा। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, बिकॉज अगर हमारा व्यूज कुछ डेज से लेके कुछ वीक्स तक का है, कुछ डेज से कुछ वीक्स, मंथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो हिस्टोरिकली देखा गया कि मैक्सिमम फंड मैनेजर्स इस मूविंग एवरेज को कंसिडर करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कहां पर बाय किया जाए, कहां पर सेल किया जाए। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका वेट कर रहे हो कि भाई साहब अब हमको
चार्ट पे लेके चलो और चार्ट पे दिखा दो किस तरह से केवल एक सिंपल सा सिंपल मूविंग एवरेज आपको हेल्प आउट कर सकता है वो बताऊंगा बाय टेकिंग यू टू द स्क्रीन। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। हम यूज करेंगे एडलवाइज का मोबाइल ट्रेडर ऐप। ऑल्दो अपन इस पे जब जाते तो 120 से भी ज्यादा फिल्टर्स है बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन, इजी टू ट्रेडिंग ऐप है, बट हमें अपने हिसाब से अपने सेटअप के बेसिस पे लेना है तो हम स्क्रीन पे जाते हैं मेन्यू से और आप देख सकते हो यहाँ पर रिसेंटली व्यूड तो आते ही है, प्लस कैंडलस्टिक बेसिस भी कर सकते हो, फंडामेंटल टेक्निकल मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन। अच्छा बाय द वे अगर आप चाहते हो मैं प्राइस एक्शन बेसिस पे इसके बेसिस पे आपको करके बताऊँ एक वीडियो तो कमेंट्स में अपने रिक्वेस्ट बिल्कुल डालिए, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो अभी के लिए हम बहुत ही सिंपल मूविंग एवरेज पे जाएंगे। मूविंग एवरेज पे जाने के बाद हम लेंगे 100 डे का SMA बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ स्विंग ट्रेडर्स। तो यहां पर नहीं ऑटोमेटिक आपको स्कैन करके दे देगा कि 100 SMA के बेसिस पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किस किस ने दिया हुआ, तो यहां पर आप काफी सारे देख सकते हो ब्रेकआउट के बेसिस पे। और जैसे मैंने कहा सिर्फ निफ्टी 50 लेंगे, आप दूसरे भी चेंज कर सकते हो बट हम अपने इसके लिए सिर्फ निफ्टी 50 लेंगे। सो लेट्स से भारतीय एयरटेल अपन देखते हैं, ठीक है एक रैंडम में उठाता हूं, यहां पर गए चार्ट पे, मैंने प्लॉट किया हुआ है। बाय द वे अगर आप जानना चाहते हो कि ये प्लॉट कैसे किया गया है तो आप जाओगे इधर टेक्निकल स्टडीज और यहां पर आप सिंपल मूविंग एवरेज, इधर अपना नंबर डालोगे सेव, दैट्स इट, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि जब से भारतीय एयरटेल ने ये वाला इसके ऊपर जाने की कोशिश करी है व्हाट वी कॉल 100 SMA, थोड़ा टाइम टिका, इधर सपोर्ट लिया और एक अच्छा कैंडल दिया है, तब से इट हैज नेवर रिट्रेस्ड बैक। आप देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से मूव किया है। एक इस पे जाना है, मेन्यू पे जाके स्क्रीन्स पे जाना है, बहुत सारे स्क्रीन्स अवेलेबल है, उनमें से मेरे हिसाब से आप पिक कर लेते हैं जैसे 200 डे का या फिर 100 डे का SMA। 200 डे जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े होराइजन के लिए कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो 100 SMA आप ले लो। और आई जस्ट शो यू, सो जब SBI हम देख रहे थे तो एक प्यारा सा सपोर्ट ले रहा था, दिस बिकम्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी एज पर मी जब वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये जो इधर सपोर्ट ले रहा है ना, दिस बिकम्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए देखता है, मैं इसे एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे देखता हूँ। तो दोस्तों बाय द वे अगर आपको भी फ्री में ये सारे स्क्रीनर्स चाहिए और ट्रेड करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। बाय द वे अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड सेटअप को भी बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे आके आप लोगों को दूं जिससे बिगिनर्स की भी हेल्प हो जाए और एक जो नया बंदा सीखने के लिए आ रहा है उसके लिए भी हेल्प हो जाए, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक दीजिए और साथ में कमेंट्स में लिखिए बाहुबली, जितने ज़्यादा बाहुबली दिखेंगे उतने जल्दी हम इस वीडियो को लिखें। सो आपने देखा कैसे एक सिंपल स्विंग सेटअप से भी मनी बनाया जा सकता है। मार्केट में ना बहुत लोगों ने हवा मचा के रखा है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। किताबें पढ़नी रहती है, किताबों से नॉलेज अच्छा मिलता है, बट ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। तो मेरा मानना है कि सिंपल चीजें ही करती है मार्केट में। मैंने लाइफ में आज तक जितना पैसा बनाया वो सिंपलिसिटी के साथ ही बनाया हुआ है। आप कॉम्प्लेक्सिटी सेल होती है, मार्केटिंग के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, सीखने के लिए सिंपलिसिटी लगती है। वाह क्या लाइन मारा है। एनीवेज तो अब हम समझेंगे इस पूरे सेटअप के कुछ डीमेरिट्स भी तो होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो है इसके कुछ डीमेरिट्स है। पहला, आप निफ्टी 50 के बाहर नहीं जाओगे सेटअप के साथ। आप मैक्स अगर जाना भी है तो निफ्टी 100 जाओगे और इसका रीजन मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूं, बिकॉज वॉल्यूम और लिक्विडिटी आर द की इन एनी सॉर्ट ऑफ सेटअप्स। इनफैक्ट आप अपना खुद का भी ट्रेडिंग सेटअप कोई सा भी बनाओगे तो जरूरी है कि आप इस चीज को रखो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस होराइजन के बाहर जाते हो तो यू बिकम विक्टिम ऑफ अ लॉट ऑफ ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी एंड वॉल्यूम वहां पे बहुत हैपहजार्ड रहता है। तो इसीलिए द सेकेंड होता है कि जब भी न्यूज बेस्ड यहां पर एक्शन आता है, लेट्स से कुछ न्यूज बेस्ड एक्शन आया जिसके कारण ये 100 डे का सिंपल मूविंग एवरेज टेस्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, ये मिसलीडिंग सिग्नल हो सकता है इन द सेंस क्योंकि अचानक से बड़ा एक्शन हुआ, कुछ फंड एक्शंस के वहां पर एल्गोज लगे हुए, जैसे हमने बात करी स्टार्टिंग में कि काफी सारे बड़े बड़े फंड्स यहां पर एक्शन करते हैं, तो वहां पर आपसे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा RBI का पॉलिसी है या फिर कोई बहुत मैक्रो इवेंट है ना, तो उस समय पर आप इस चीज को जितना हो सके अवॉइड करने का प्रयत्न कीजिए। फाइनली इसका कंफर्मेशन ज्यादा तब बढ़ता है जब आप इसका कॉन्फ्लुएंस यूज करते हो, साथ में कुछ पैरामीटर यूज करते हो, जैसे अपन ने कुछ देर पहले बात करी। तो आप कुछ चीजों को जब मिक्स कर लोगे तो वहां पर एडिशनल पैरामीटर से इधर आपका जो परफॉर्मेंस है वो चीज बढ़ जाता है। तो दोस्तों इससे ना आप क्या कर सकते हो, थोड़ा टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच के लिए भी यूज कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मान लो आप ट्रेडर भी नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो, आप फंडामेंटल यूज कर दो, बस सिंपल से ये मूविंग एवरेज डालो, ये चीज हेल्प करेगी। आई नो मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज बताई है, आप में से कुछ लोगों को ये चीज पता भी होगी, लेकिन क्या होता है कि जब तक अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी
ऑलरेडी डन दीज थिंग्स, वो आके आपको नहीं बताता कि दोस्त तू सही सोच रहा है, ये बिल्कुल तू सही रास्ते पे जा रहा है, तब तक आपको खुद पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव सीन योर शेयर्स ऑफ लॉसेस एंड गेन्स. तो कभी कभार टू री इन्फोर्स द राइट थॉट कि भाई मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं चाहिए, आपको सिंपल चीजें चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए और एक प्यारा सा दिमाग चाहिए, अगर ये भी है तो आप पैसा बना सकते हो, तो उसके लिए कभी कभार हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स को आना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज. तो आशा करता हूँ आज कुछ नई चीज आपने सीखी होगी, अगर सीखी है तो लाइक जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.